पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा, वेग मीडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश के अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, पंडित नेहरू, इस सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या उनकी याद दिलाता है। इन वीरों के लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूँ। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, दिल से तुमको नमन करते हैं, ये आजाद वतन जो दिलाया है। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपडेट मीडिया परिवार की तरफ से 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही बहनों के पवित्र प्यार की दुआ है राखी, इसीलिए भगवान ने बहन को बनाया। मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां और नई उमंग लाए, यही कामना है। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मध्यरात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूँकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ग्राम भिटिया कला, ब्लॉक रुधौली, जनपद बस्ती प्रधान ऋषि कुमार दुबे और प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार दुबे की ओर से समस्त गांववासियों, नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना और हमारे भारत देश को एक स्वच्छ देश बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ साफ सफाई से नहीं बल्कि गंदगी से होने वाली बीमारियों को दूर करना या जड़ से मिटाना भी है। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का कर्तव्य हम सभी का है। इस अभियान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया कैंपेन। इस मिशन का हम सभी को सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता रखकर और गंदगी और उससे होने वाली बीमारियों से खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।